हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट पावर बीआई। तो हम पावर बीआई में हम बात कर रहे हैं आपके साथ आज न्यू पावर बीआई इंटरफेस के बारे में। 2024 का इंटरफेस है, इंटरफेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम अपने पुराने कोर्स को नए कोर्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा पावर बीआई के कंप्लीट कोर्स बाय नहीं किया है तो आप बाय कर सकते हैं मेरे ऐप के थ्रू। तो फटाफट ऐप पे जाइए, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, इस पे जाइए। यहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके अंदर में मेरे पावर बीआई कोर्स दिखेगा, जिसपे 50% का भी डिस्काउंट चल रहा है, जो 500 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर फिलहाल 98 वीडियो है, लेकिन अभी ये वीडियो तकरीबन 140 के आसपास जाएगा, कि 40 वीडियोज में ऐड करने वाला हूँ नए कोर्स की, नए इंटरफेस की। तो इसको आप बाय कर लीजिएगा। या फिर आप सीखना चाहते हैं पावर बीआई लाइव, तो मेरी कल मंडे रात को 9 बजे पावर बीआई की लाइव क्लास शुरू हो रही है। ऊपर दिए गए नंबर पे फटाफट कॉल करें और अपनी सीट को रिजर्व करें। लाइव क्लासेज होगी हमारी, जो मैं खुद पढ़ाऊंगा। चलिए टॉपिक पे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो हम बात करते हैं पावर बीआई इंटरफेस पे। जैसे आप नया पावर बीआई, मान लीजिए न्यू पावर बीआई अगर ओपन करते हैं, तो सबसे पहले आपका होम विंडो आता है, जहां पे ब्लैंक रिपोर्ट और आपके बहुत सारे रिकमेंडेड रिपोर्ट्स आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नए जो चीजें वर्क वो आता है। तो एक बार दोबारा पावर बीआई को खोल के दिखा रहा हूँ। दोबारा देखिए, मैं डाउन सेव करता हूँ। मैं गया, पावर बीआई सर्च किया, पावर बीआई डेस्कटॉप, ये हमारा पावर बीआई आ जाए। तो आपने पिछले वीडियो में बात की थी मैंने, कि आपको पावर बीआई का एक लॉगिन आईडी, वेब लॉगिन आईडी होनी चाहिए, ताकि पावर बीआई के डेस्कटॉप पे उसका आप लॉगिन कर सके, जिससे आगे आपको पावर बीआई वेब वर्जन का एक्सेस हो। जब फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो दिखेगा, जिसमें आपका ब्लैंक रिपोर्ट, ओपन डेटा लैब, एक्सेल स्क्वेल जैसे डेटा कनेक्ट भी दिखेगा, और आपने जो पिछले रिपोर्ट्स यूज किए हैं उसका दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर रिसेंट वर्कबुक, रिसेंट वर्कबुक में आपका डेस्कटॉप का भी दिखेगा और साथ में आपको दिखेगा वेब का भी। ओपन पे जाके आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं रिसेंटली, और या फिर ब्राउज करेंगे दिस डिवाइड या वन ड्राइव से भी आप यहाँ पे डेटा ले सकते हैं। फिलहाल वन ड्राइव में नहीं है तो मैं वन ड्राइव की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राउज फॉर डिवाइस पे जाके अपने ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। फिर होम पे आते हैं, यहाँ पे हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ताकि सामने इस तरह का विंडो आपको दिखता है। अब विंडो समझिए क्या है। जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं कैनवस एरिया। क्या बोलते हैं? कैनवस। जस्ट दस कैनवस है। यहाँ आपके चार, पहले तीन थे, अब चार विंडो आ गए। पहला आया आपका रिपोर्ट व्यू, जो दिख रहा है, जिसमें हम रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे या देखेंगे। उसके बाद आता है डेटा व्यू, जहां पे आपके डेटा होते हैं। देन आता है मॉडल, जहां पे दो डेटा को कनेक्ट करते हैं। तीसरा, चौथा आता है टैक्स, जहां पे हम यहाँ पे टैक्स क्यूरी को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ जो आता है आपको, वो आता है फिल्टर। उससे आता है आपका विजुलाइजेशन, जहां पे अपने विजुलाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे। तीसरा आता है डेटा। डेटा है, देखिए कुछ भी करने से पहले फिर डेटा को कनेक्ट करना जरूरी होता है। डिफरेंट डिफरेंट गेट डेटा पे टॉपिक्स है, लेकिन फिलहाल हम किसी एक्सेल डेटा पे क्लिक करके नए डेटा, नए एक्सेल डेटा को यहाँ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम गए नीचे और हमने एक डेटा ले लिया, देन ओपन किया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेटा जितना बड़ा है जितना छोटा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। अब यहाँ पे डेटा पे क्लिक करेंगे एंड लोड पे क्लिक करते हैं। लोड पे क्लिक करते ही आपका जो डेटा है यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, पिवट टेबल की तरह ही बिल्कुल पावर बीआई है। जी हाँ, पावर बीआई में ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चाहे चीज है। आप अगर पावर बीआई को सिंपल यूज करना चाहते हैं तो आप पावर बीआई का सिंपल सा यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहां से जो डायरेक्ट लिबर्टी का पार्ट था वो हट गया। तो अब यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे डेटा के सारे फील्ड्स दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे विजुलाइजेशन चूज कर सकते हो। विजुलाइजेशन की फॉर्मेटिंग यहाँ पे होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक विजुलाइजेशन चूज किया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लेजेंड्स, स्मॉल मल्टीपल्स, जैसे जो पिवट टेबल में फील्ड्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे फील्ड्स आ जाएंगे। फिर डेटा मेनू बार में जाते हैं, तो यहाँ पे आपका डेटा, जो भी डेटा है, एक से ज्यादा डेटा भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। देन डेटा मॉडल में सारे डेटा टेबल्स आ जाएंगे, जहां पे आप रिलेशनशिप कर सकते हैं, और डैक्स में, जहां आप डैक्स क्वेरी में जाके अपना डेटा एसक्यूएल की तरह देख सकते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। उसके अलावा यहाँ पे इसके मेनूज हैं,
होम मेनू बार के अंदर में जो मोस्टली यूज करने वाले फीचर्स है वो है। इंसर्ट में आते हैं तो जो नई चीज इंसर्ट हो, नई विजुअल इंसर्ट करना या बटन इंसर्ट करना, इमेज इंसर्ट करना, उसके सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। मॉडलिंग में आते हैं तो डेटा मॉडल से रिलेटेड आता है, जैसे कि न्यू कॉलम क्रिएट करना, न्यू टेबल क्रिएट करना, मैनेज रोल सेट करना, क्यूए करना, यहाँ पे यूज होता है। व्यू के अंदर में जो विजुलाइजेशन है, जैसे कि इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, पेज व्यू वगैरह, फिल्ट्रेशन वगैरह, बुक मार्क वगैरह का सेट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज के अंदर में आपको इसके अंदर जो आएगा कि आप जो वेब वर्जन पे उसको ये करना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, विजुअल को रिफ्रेश करना चाहते हैं, वो चीजें सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके सामने दो व्यू है, अभी यह है डेस्कटॉप लेआउट पे, दूसरा आता है आपका मोबाइल लेआउट। यहाँ मोबाइल लेआउट पे आपने जो मोबाइल के ऊपर जो रिपोर्ट्स बनेगी उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे पेज वन आया, ऐसे इस पे क्लिक करके कई सारे पेजेस को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं सिंपली। लेकिन कुछ भी करने के लिए डेटा कनेक्ट करना जरूरी है, उसके बाद रिलेशन तैयार करेंगे। तो इस पे आप बने रहें, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इंटरफेस को एक बार समझ लीजिए, फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।